है वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम नेटफ्लिक्स का यूआई क्लोन करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये देखो, ये हमारा एक लोगो रहेगा नेटफ्लिक्स का, उसका बटन रहेगा, ये देखो साइन आउट का, और हवन करने पे ये इफेक्ट दे रहा है। और उसके बाद इसका जो एक पोस्टर है बैकग्राउंड पे, और उसके ऊपर जो है एक लेयर है वो देखेंगे। और उसके बाद उसके अंदर ये जो हमारी हेडिंग है ये लगाएंगे, यहाँ पर एक बटन है और बटन के ऊपर क्लिक करने पर ये जो है अपनी जो नेक्स्ट है उसके ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे जो है यानी ये जो है इसके ऊपर इसका कंटेक्ट आस है उसके ऊपर जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ये जो है ये हमारे यहाँ पे एक हेडिंग है, यहाँ पे एक इमेज है, ये दोनों लगाएंगे। उसके बाद ये एक इमेज है, देन ये एक हमारे पास हेडिंग है, और उसके बाद तीसरे सेक्शन के अंदर भी सेम ही है, चौथे के अंदर भी सेम ही है, और पाँचवें के अंदर हमारा FAQ है यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। उसके अंदर ये देखो, ये हम अपने HTML और CSS से बनाएंगे, इसके अंदर JavaScript का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये बना लेंगे। और उसके बाद ये हमारा फुटर रहेगा। उसके बाद जो है ये जो है फुली रिस्पॉन्सिव है, ये यहाँ तक ये देखो ये रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको और छोटा करूँ तो ये देखो ये यहाँ तक रिस्पॉन्सिव है ये, ठीक है। तो इसका जो कंटेक्ट आस का अगर एक और पेज है, ये दो पेज होंगे इसके अंदर, इनको जो है हम अपने तीन चार पार्ट्स के अंदर कर लेंगे। यानी पहले पार्ट के अंदर हम ये यहाँ तक कर लेंगे यहाँ तक, और उसके बाद जो है अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारा FAQ और ये हमारा फुटर रहेगा, और आखिरी दो तीन पार्ट के अंदर हमारा जो कंटेक्ट आस और दूसरा रहने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, अपने VS कोड के अंदर चलेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको इसका फोल्डर स्ट्रक्चर बताऊँ तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारी नेटफ्लिक्स इमेजेस index.html/style.css ही है, और यहाँ पे जो है और हमारी जो फॉन्ट ऑसम का जो लिंक है वो लगा हुआ है, और style.css को हमने इसके ऊपर लिंक किया हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मैं यहाँ पे एक डिप बना लूँगा अपनी हीरो इमेज के नाम से, यहाँ पे हमारी एक डिप रहेगी, और यहाँ पे जो है हमारी नैब रहेगा, और उसके का आईडी रहेगी नैब कंटेनर, ठीक है, ये हमारी नैब कंटेनर है। और उसके बाद जो है एक हमारे पास जो है एक आईडी और रहेगी हमारी नैब लोगो के नाम से, और यहाँ पे एक मैं एक इमेज लगाऊंगा, यहाँ पे इसकी एक क्लास लगा देंगे नेटफ्लिक्स लोगो। और यहाँ पे इसके जो एसआरसी है उसके अंदर जो है चलेंगे अपनी इस नेटफ्लिक्स इमेजेस के अंदर जो है हमारी इमेजेस, एंड देन उसके अंदर logo.png ये जो है, अगर मैं इसको अपने लाइफ स्टाइल मैप में अभी ओपन करके दिखाऊं तो ये जो है हमारे पास सिर्फ एक नेटफ्लिक्स का लोगो आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर नेटफ्लिक्स का लोगो है, कुछ नहीं है, यही आएगा लोगो हमारे पास। उसके बाद जो है यहाँ पे इस डिप के जो बाहर जो है यहाँ पे ये जो हमारा इस नैब के अंदर नैब के बाहर ये नैब के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, हमारा नैब कंटेनर है ये। यहाँ पे जो है एक बटन, देन आईडी है हमारे पास नैब BTN ये आएगी, और इसका आएगा हमारा SGN, देन हमारा आउट, ये क्या हुआ, यहाँ पे चला गया, ये कुछ मिस्टेक कर गया, ठीक हो गया। यहाँ पे ये आउट रहेगा ये, तो ये अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा ये फॉन्ट ऑसम है ये बड़ी प्रॉब्लम करता है जब कभी, इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ, इसको दोबारा चला लेंगे जब ज़रूरत होगी। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको दोबारा अपने लाइव सर्वर में ओपन करूँगा। तो ये देखो ये आ गया हमारे पास नेटफ्लिक्स का लोगो, और यहाँ पे हमारा साइन आउट। उसके बाद जो है चलेंगे अपने CSS के अंदर, इसको थोड़ा डिज़ाइनिंग करेंगे इसकी, इसको कुछ देखने लायक बनाएंगे अभी। तो सबसे पहले जो हमारा यूनिवर्सल ऑपरेटर रहेगा, इसके अंदर जो है मार्जिन 0, देन पैडिंग 0, देन बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स होगी, और उसके बाद जो है यहाँ पर इसका जो बॉडी है वो होगी हमारे पास बैकग्राउंड कलर, देन RGBA नहीं सिर्फ RGB है, और उसके बाद जो है ये होगा 52, देन 50 एंड देन 50, ये होगा हमारे पास एक कलर के। उसके बाद जो है एक हमारी HTML जो टोटल HTML हमारी जो डॉम है उसका जो फॉन्ट साइज़ जो है उसको करेंगे हम, कर देंगे 62.5, ठीक है, 62.5%, ठीक है। ये जो है हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आगे जो हम अपने पिक्सल के अंदर कम पिक्सल को यूज़ कम करेंगे, हम REM को यूज़ करेंगे,
एंड वन आर एम इक्वल टू होता है 16 पिक्सल का, लेकिन जब हमने इसकी जो इनिशियल स्टेट जो है इसकी फॉन्ट की जो वो जो है 62% रख दिया, तो अब जो है हमारे पास वन आर एम इक्वल टू हो जाएगा 10% का, 10 पिक्सल का, ठीक है। उसके बाद जो हम हीरो इमेज है, ठीक है, हमारे पास एक क्लास यहाँ पे जो है हमारी ये हीरो इमेज है, इसको उठाऊंगा इधर से यहाँ पे लाके इसको छोड़ा। उसके बाद जो इसके अंदर जो बैकग्राउंड इमेज है, देन उसके अंदर जो लीनियर ग्रेडियंट डालेंगे आर जी बी ए, देन 0 0 0, देन 0.7, ठीक है, ये हमारे पास है। और उसके बाद जो यहाँ पे आर जी बी ए, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो भी कुछ सेम ही रहेगी, यही वाली सेम वैल्यू रहेगी। इसको मैं यहाँ से उठा के जो है यहाँ पे ये यहाँ पे छोड़ूंगा, ठीक है, ये आ गई। और उसके बाद जो है ये हम इससे बाहर चलेंगे, इसके अंदर यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे और इसकी जो इमेज है उसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे जो है यूआरएल, और यूआरएल के अंदर जो है यहाँ पे हम नेटफ्लिक्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इमेजेस के अंदर जाएंगे, देन हेडर इमेज डॉट पीएनजी, इसकी जो विथ रहेगी ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे जो है इसकी विथ रहेगी 100%, देन इसकी हाइट रहेगी 100% की, 100% नहीं, इसको 100 VH कर देंगे व्यू पॉइंट हाइट। इसका बैकग्राउंड, इसकी पोजीशन सेंटर, एंड देन बैकग्राउंड साइज जो है उसको कर देंगे कवर, और उसके बाद जो है बैकग्राउंड रिपीट जो है, बैकग्राउंड रिपीट जो है वो नो रिपीट कर देंगे। तो ये देखो ये इमेज जो है यहाँ पे आ गई, इसके ऊपर जो है ये देखो यहाँ पे एक इमेज भी आ रही है लाल सिंह चड्ढा वाली, और यहाँ पे हिटमैन की, और यहाँ पे ये विजय की एक पोस्टर, ये सारे पीछे लगे हुए हैं। उसके ऊपर जो है यहाँ पे एक हमने लीनियर ग्रेडियंट चढ़ा दिया अपने ब्लैक कलर का, हल्के ब्लैक कलर का, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा एक नैब कंटेनर के नाम से आई थिंक कुछ बनाई थी हमने, ये आईडी है नैब कंटेनर के नाम से, इसको उठाएंगे इधर से और यहाँ पे ये यहाँ पे इसको डालेंगे आईडी को, और इसका जो डिस्प्ले है उसको कर देंगे फ्लैक्स। और उसके बाद जो है अगर ये जो फ्लैक्स करने से ये साइड बाई साइड आ गई, ये देखो दोनों यहाँ पे इधर। और उसके बाद जो है हमारी एक और आईडी है, वो आईडी है हमारे पास नैब लोगो की, इधर ये वाली, इसको इधर से कॉपी किया, देन ये पेस्ट। उसके बाद इसकी विथ 90%, देन मार्जिन टॉप से 2.5 rem, यानी 2.5 rem इक्वल टू 25 पिक्सल, एंड देन मार्जिन लेफ्ट, अब मार्जिन लेफ्ट करो या इसको मार्जिन इनलाइन एंड कर दो, ये दोनों बात एक ही है, मार्जिन इनलाइन एंड, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 16 rem की, ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पे आ गया यहाँ पर, ठीक है, इसकी जो विथ है, विथ हाइट वगैरह ये यहाँ पे आ गई, यानी ये जो है मार्जिन लेफ्ट करो या मार्जिन इनलाइन एंड करो, ये दोनों एक ही बात है। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना तो मैं इसको कमेंट करके यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट यूज़ कर रहा हूँ, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मार्जिन लेफ्ट 16 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ गए। और उसके बाद जो है हमारे पास एक क्लास और दी थी हमने, ये नेटफ्लिक्स लोगों की, ये क्लास इधर से उठा लूँगा मैं यहाँ पे, और इसको इधर कॉपी किया पेस्ट किया, देन इसकी जो विथ है उसको कर देंगे 15 rem की, ये देखो ये बिल्कुल यहाँ पे छोटा हो गया। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है हमारे पास एक नैप BTN था आई थिंक सो, हाँ ये हमारा नैप BTN है, आईडी हमने दी थी इसको, ये इसको आईडी यूज़ करेंगे इधर, ये यहाँ पे ये आई थिंक गलत हो गया कुछ, वहाँ ये दो बार आ गया, यहाँ से इसको मैं बैक लेके जा रहा हूँ, इसने याद से याद पूरे का पूरा बटन कॉपी कर दिया, इसको उठाया इधर से कॉपी किया यहाँ पे लाकर पेस्ट किया। और उसके बाद जो है इसका मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट करो या मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट कर दो 2.5, थोड़ा 25 पिक्सल हो जाएगा, तो हाइट 30 पिक्सल की यानी 3 rem, देन विथ 10 rem 100 पिक्सल, ठीक है। ये साथ साथ में मैं इसलिए बता रहा था आपको पता चल जाए कि 1 rem इक्वल टू 10 पिक्सल है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर RGB 228, देन 338, देन 38, ठीक है, ये कुछ रेड कलर सा बनेगा,
और उसके बाद जो है बॉर्डर नन एंड देन कलर वाइट, और उसके बाद जो है फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट बोल्ड एंड मार्जिन राइट जो है वो कर दो 16 rem, ठीक है। और इसके बाद जो है इसका जो कर्सर है उसको करो पॉइंटर। तो ये देखो ये हमारा बटन जो है ये बन के हो गया रेडी। उसके बाद जो है इसके थोड़े कोने शार्प हैं तो बॉर्डर रेडियस डाल देंगे उसके लिए 0.5 rem यानी 5 pixel का। तो ये देखो ये हो गया थोड़ा सा। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसके ऊपर ट्रांजिशन थोड़ी सी डाल देंगे, ट्रांजिशन 0.343 सेकेंड। एंड देन यहाँ पे जो है ये आ गया हमारे पास नेव देन BTN एंड देन इसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो है इसके अंदर हावर इफेक्ट लगाना बोल रही है यहाँ पे इसको हावर हावर करने पे ये आया। और उसके बाद जो है ये वैल्यू जो है ये रेड है थोड़ी सी ना ये वैल्यू जो है, एक मिनट यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा इधर से इसको थोड़ा सा डार्क की तरफ लेके जाएंगे बस, तो ये वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आया यहाँ से इसको कॉपी किया इसको हल्का सा डार्क की तरफ ये यहाँ पे ले आया। तो अभी देखें तो ये देखो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेटफ्लिक्स का जो हेडर था वो बन के रेडी हो गया। उसके बाद जो है हमारा जो नीचे का कंटेंट है वो देख लेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडर एंड के नाम से लगा दूँगा, हमारा एक कमेंट कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद जो है माम एक आईडी लगा देंगे यहाँ पे हीरो देन कंटेंट के नाम से। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक H2 उसकी एक आईडी है हीरो कंटेंट। और उसके बाद जो है उसकी एक H2 है वो होगी हमारी वेलकम बैक, ये मूवी नहीं है ये हमारे पास इसकी एक हेडिंग है वेलकम बैक के नाम से। और उसके बाद जो है हमारी एक H1 रहेगी उसकी जो आइडिया वो हीरो देन कंटेंट। उसके बाद यहाँ पे H1 उसकी जो है वो यहाँ से मैं इसकी जो है यहाँ से उठा लूँगा ये वाली, ये यहाँ से उठाऊँगा इसको इधर ला के पेस्ट किया। और उसके बाद जो है एक H3 डालेंगे, H3 आईडी लगाएंगे ये होगी हमारी हीरो कंटेंट। और उसके अंदर जो है H3 और इसके अंदर जो है हमारे पास ये हो गया हमारा ये वाला उप्स यहाँ से ये क्यों यहाँ पे सारा सिलेक्ट दे रहा है हमें, ये क्या कर रहा है क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा। यहाँ पे आया इसको कॉपी किया और इधर इसको लाके पेस्ट कर दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक बटन भी डाल देंगे हम, हमारा बटन देन आईडी होगी उसकी हीरो कंटेंट देन BTN। और उसके अंदर एक एंकर टैग लगेगा और इसके अंदर अगर आप कोई एंकर टैग यानी एंकर टैग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि इसको हम जो है ना अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर यानी हमारा जो साइन इन या साइन आउट का है उसके अंदर लगा देंगे, तो इसलिए इसको जो है ना उधर लेके जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे पास टेक्स्ट है फिनिश का, फिनिश अप साइन का, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, वो हो गया हमारे पास FINISHSIGN एंड देन अप, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका टेक्स्ट जो था वो आ गया। तो इसके लिए जो है तो वापस जो है अपने इसके अंदर चलेंगे CSS के अंदर, तो इसकी जो है ना थोड़ी बहुत और स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अपने हीरो कंटेंट को उठा के लाएंगे यहाँ से इसकी आईडी को, यहाँ पे ये आई आईडी, ये आ गया हमारा हीरो कंटेंट। देन इसका डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, देन इसकी जो अलाइन आइटम्स सेंटर एंड देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम एंड देन हाइट 100 VH देन कलर जो है हमारे पास हो गया वाइट, ओके। तो ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो किधर गया, वो आया ही नहीं आई थिंक सो, किधर गया टेक्स्ट, आना तो चाहिए। ये रहा टेक्स्ट इसका यहाँ पे, ये मैंने उसके नीचे डाल दिया, ये यहाँ पे इसको हीरो इमेज के अंदर डालना था, इधर से इसको कट किया इधर से वो इधर ला के डाल दिया तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ गए ये देख।
ठीक है, तो इसको हीरो इमेज के अंदर डाला था मैंने ना, इसको उसके अंदर डाल दिया, ये यानी नैव के बाहर था, मैंने इसको सारे को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो इसकी CSS के अंदर चलेंगे, इसकी हाइट 100 V अच्छी रहेगी। उसके बाद जो है इसके जो है यहाँ पे ये H2 है, इसको मैं ले गया करूँ, हीरो कंटेंट H2 देन H1, इन सबको ऐसे सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, फॉन्ट साइज जो है 3 आ रही है, और उसके बाद जो है यहाँ पे ID एंड देन यहाँ पे H1 किया, और उसके बाद जो है इसका फॉन्ट साइज 5 आ रही है। ओके, उसके बाद फॉन्ट वेट है वो बोल्ड कर दो, और उसके बाद इसकी जो मार्जिन है टोटल मार्जिन 1.5 आ रही है देन 0 आ रही है। तो ये देखो ये यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है अभी वो वाइट नहीं हुआ, टेक्स्ट वाइट होना जो चाहिए था हुआ इसलिए नहीं क्योंकि इसका जो कलर है ना यहाँ पे वो चेंज हुआ पड़ा है, इसका प्रॉपर्टी गलत लगी है। तो ये देखो यहाँ पे आ गया इसका जो टेक्स्ट था वो आया, और उसके बाद जो है इसी को यहाँ से इसको यहाँ पे लगाया, और उसके बाद H2 को यहाँ पे H3 लगा दिया, क्योंकि अगर मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे पास हेडिंग्स है ना इसके अंदर ये देखो H2 1 3 बाकी पीछे का सेम ही है, इसलिए उसी को मैं कॉपी करके उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करता जा रहा हूँ। फॉन्ट साइज़ जो है 2.5 आ रही है। ओके, और उसके बाद जो है हमारा एक बटन बनाया था हमने यहाँ पे ये वाला, इसको उठाया और यहाँ पे ID लगा के इसको इधर कॉपी किया, इसकी मार्जिन एम्प्टी टॉप यानी मार्जिन टॉप बूटस्ट्रैप की वजह से ये थोड़ा एम्प्टी टॉप, ये थोड़ी इसके जो शॉर्ट हैंड है वो याद है। पैडिंग 1.5 आ रही है, और उसके बाद जो फॉन्ट साइज 2 आ रही है, एंड देन कलर वाइट एंड देन विथ जो है वो 20 RGB की रहेगी, और उसके बाद जो है इसका बैकग्राउंड कलर जो है हमारे पास RGB ये वाला रहेगा, और उसके बाद जो है बॉर्डर आउटलाइन वगैरह इसकी नन कर देंगे, बॉर्डर नन, और उसके बाद जो है इसकी आउटलाइन उसको भी नन करेंगे, कर्सर को पॉइंटर करेंगे, तो इसके अंदर हल्की सी ट्रांजिशन भी रखेंगे 3 सेकेंड की, 0.3 सेकेंड की। तो ये देखो ये आ गया हमारे पास हमारा जो ये वाइट क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, कलर वाइट होना तो चाहिए था, हैश वाइट। उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो कलर है यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये इसके अंदर जो है एक एंकर टैग है उसको भी वाइट करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर हमने ये आ गया हमारे पास। ये ना एक ID की प्रॉब्लम ये है कि ये ना इसका जो सजेशन नहीं आता, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है इसकी। उसके बाद है कलर वाइट एंड देन टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो ये देखो इसका कलर वाइट हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गई, और उसके बाद जो है इसके ऊपर हावर करने पे इसके ऊपर इफेक्ट लगाना है तो लगा ले, वरना ऐसे भी है तो ठीक ही है। यहाँ पे इसको हावर करने पे इसका जो बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाए, पूरे पूरा रेड, ये देखो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे यही हो गया हमारे पास, ये ठीक हो गया। तो इसका जो फॉन्ट साइज है इसके अंदर ये जो है ये मैंने नहीं डाला, तो इसको आप खुद डाल लें क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक जो फॉन्ट ऑसम का है वही लगेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद जो ये जो है हमारे पास हो गया बन के इधर रेडी यहाँ पे, उसके बाद चले गए अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी ये जो है हमारे ये कंटेनर्स हैं ये बनाए गए हम अपने, तो चलेंगे अपने इन कंटेनर्स की तरफ। तो सबसे पहले जो है ये जो हमारे नैब था ये हमारा कंप्लीट हो गया, और उसके बाद जो है हमारी ये जो डेव है ये भी हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये कंटेनर देन यहाँ पे स्टार्ट, और उसके बाद जो है इसकी एक फर्स्ट कंटेनर सेकंड कंटेनर इस हिसाब से हम चलेंगे, इसकी डॉट यहाँ पे FIR टेस्ट फर्स्ट देन कंटेनर, और यहाँ पे डॉट पैनल 1 हमारा
पैनल रहेगा, पैनल वन, और पैनल वन के अंदर जो है हमारे पास एक एच वन डॉट जो है पैनल वन एच वन, ये क्या हो गया एच वन, और इन्जॉय इन्जॉय ऑन योर टीवी, और उसके बाद जो है डॉट पी डॉट पैनल के बाद यहाँ पे पी आ गया, और इसके अंदर जो है यहाँ से टेक्स्ट मैं इधर से लेके आऊँगा इधर, इसका ये वाला टेक्स्ट ये है, और उसके बाद जो है इसके नीचे की ये जो डिव है इससे बाहर चलेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे राइट पैनल, तो राइट पैनल के अंदर हमारे पास एक इमेज रहेगी, सिर्फ आई नहीं हमारी एक आईएमजी रहेगी, वो होगी हमारे नेटफ्लिक्स के अंदर हमारी इमेजेस के अंदर, वो है हमारी फीचर वन की इमेज, ठीक है। ये जो है हमारी दो इमेजेस होगी इसके अंदर, अगर मैं इधर आपको दिखा दूँ तो ये जो इमेज है यहाँ पे ये इमेज आ गई। अभी इसकी सेटिंग मेटिंग करेंगे थोड़ी सी, चलेंगे अपने सीएसएस के अंदर। सबसे पहले जो है हमारा फर्स्ट कंटेनर है यहाँ पे, इसी को उठाऊँगा मैं इधर से यहाँ पे, और यहाँ से फर्स्ट कंटेनर है, इसकी हाइट जो है वो 50 rem, देन विथ 100%, उसके बाद बैकग्राउंड कलर ब्लैक, देन मार्जिन टॉप 0.8 rem, और उसके बाद कलर वाइट, एंड थोड़ा इसको नीचे कर लें, और उसके बाद जो है डिस्प्ले फ्लेक्स, देन अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये देखो ये हो गए एक दूसरे से साइड में आ गए, और उसके बाद जो यहाँ पे डॉट हमारा राइट पैनल था RIGHT, देन पैनल PANEL क्या डाला है इसके अंदर, स्पेलिंग में थोड़ी कमज़ोर है क्योंकि हम छोड़ो पतली बात नहीं कहते। यहाँ पे हमारी ये राइट पैनल के अंदर जो है हमारी एक इमेज है हमारी IMG है, यहाँ पे विथ 45 rem, देन इसकी जो हाइट है वो रहेगी 35 rem, तो ये देखो ये बिल्कुल साइड में आके बैठ गया बिल्कुल फिट, और उसके बाद जो है हमारे पैनल्स हैं वो देखेंगे हम, पैनल डॉट पैनल, और इसकी जो मार्जिन राइट है वो 5 rem, और उसके बाद जो पैनल के अंदर हमारा H1 था डॉट पैनल के अंदर हमारा H1 है, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 5 rem, ये वाला हमारा H1 है, फॉन्ट साइज़ जो है वो कर दिया 5 rem, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पे डॉट पैनल के अंदर जो है पी, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो 2.5 rem, और उसके बाद फॉन्ट वेट बोल्ड, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया यहाँ पे, तो इसके अंदर जो है एक मिनट इसकी जो है हमारे पास पी है फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया, और उसके बाद जो इसके अंदर ना थोड़ा सा अगर आप चाहो तो ना थोड़े BR टैग लगा देंगे हम, तो ये ना कट के ना नीचे आना शुरू हो जाएगा, एक BR टैग मैं लगा दूंगा इसके आगे यहाँ पे, और एक लगा देंगे मोर से पीछे थोड़ा सा, ये दो टैग लगा दूंगा मैं तो ये सेट आ जाएगा, तो ये देखो ये बिल्कुल सेट बैठ गया आगे यहाँ पे, ये देखो ओके, ये जो है हमारा जो एक फर्स्ट सेक्शन था ये यहाँ पे जो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग अभी और बाकी है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास लेफ्ट पैनल आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये जो है हमारे पास इसके अंदर जो है क्योंकि आगे जो है नेक्स्ट जितने भी हम पैनल बनाने वाले हैं ये जो यहाँ पे सेम ही है, लेकिन हम आगे जो बनाएंगे अपने कंटेनर्स वगैरह उनके अंदर जो है इमेजेस वगैरह जो है वो चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसी कॉलर ये जो है हमारा फर्स्ट यहाँ पे यहाँ तक इसको इधर से कॉपी किया, इसको यहाँ पे ला के यहाँ पे इसको मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे ला के
इसको पेस्ट कर दिया और इसका जो हमारे पास राइट पैनल है इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और इसको जो है हमारा जो पैनल वन है इससे ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, अभी देखना ये रिवर्स होके आ जाएगा दूसरी तरफ। ये देखो कि यहाँ पे आया है, यहाँ पे इसका जो राइट पैनल है ना इसकी एक मिनट, यहाँ पे जो है हमारे पास लेफ्ट पैनल, एक मिनट फर्स्ट, यहाँ पे जो है हमारे पास जो है इसका लेफ्ट पैनल है ना इसके ऊपर जो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट पैनल। ठीक है, इसको चेंज करके लेफ्ट पैनल कर दिया, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। इस लेफ्ट पैनल को मैं ना यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे ला कर इधर डाल दूँगा और उसकी जो हाइट विड्थ जो है वो जो हमने ऊपर दी थी यहाँ पे ये वाली IMG को यहाँ से कॉपी किया, इसके अंदर IMG है, इसको यहाँ पे ला कर पेस्ट कर दिया। इसकी विड्थ जो है वो 4 कर दूँगा यहाँ से और इसकी जो हाइट है वो 30 ही रहेगी। तो ये जो है यहाँ पे आया नहीं है सही तरह, डॉट उसके बाद जो है एक मिनट यहाँ पे जो है एक और मैं क्लास लगा रहा हूँ लेकिन इसकी CSS अभी लिख रहा हूँ मैं, वो होगी हमारी एक मिनट मैं देख लो कौन सी है हमारी HTML के अंदर फीचर 2 की इमेज है, यहाँ पे फीचर 2 तो ठीक है ये इमेज आ गई हमारे पास। और उसके बाद जो है हमारा जो एक मिनट आई थिंक मैंने कुछ ना गड़बड़ ये कर दी, मैंने ऊपर वाले की चेंज कर दी, ये ऊपर वाले का राइट चेंज कर दिया, ये यहाँ पे कंटेनर चेंज हो रहा है, ये हमारा लेफ्ट पैनल ये वाला है, ये हमारा लेफ्ट और यहाँ पे जो है फीचर 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके अंदर हमारा जो सेम ही रहेगा सिर्फ एक क्लास है वो बाद में हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है ये लेफ्ट पैनल के अंदर हमारी IMG जो है इसको एक मिनट ऊपर वाले की तरह इसको सेम ही देखे देखते क्लासेस, क्योंकि ये चेंज हो रहा है नहीं चेंज होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, चेंज होना चाहिए। पैनल जो है एक मिनट इसको ना इसको रीराइट करते हैं, एक मिनट खुद से लिखते हैं देखते हैं क्या करता है। ये देखो ये जो है ये हमारा फर्स्ट कंटेनर का जो पी है ये पी जो है यहाँ से इससे, लेकिन ये वाला कंटेनर सारा आ रहा है तो ये वाला कंटेनर यहाँ से हट रहा है, मैं इसको यहाँ से हटा के ये वाला कंटेनर जो है इसको दोबारा कॉपी करके यहाँ पे ला के डाल दूँगा। तो ये जो हमारी IMG की जो मैं एक थी हम मैं वो यहाँ से उठा के ले चला गया, इसको कॉपी किया और इसको पैनल 1 को यहाँ पे ला के डाल दिया और राइट से यहाँ पे इस लेफ्ट को कर दिया, राइट को कर दिया लेफ्ट। तो ये देखो ये यहाँ पे आके सेट बैठ गया, वो जो है मैं यहाँ पे इस कंटेनर से बाहर चला जा रहा था वो इसलिए नहीं आ रहा था। उसके बाद जो है हमारे पास इमेज यही इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे और इससे बाहर जाएंगे और इसकी जो इमेज है उसको खाली चेंज कर देंगे, यहाँ पे इमेज 2 और यहाँ पे जो है ये आएगी हमारी इमेज 3 और यहाँ से इस फर्स्ट कंटेनर को यहाँ से मैं ऑफ कर रहा हूँ और इसी को ये वाले कंटेनर को तीसरे को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे ला के इसको मैं डाल रहा हूँ और इसके फीचर को कर दिया 4। तो ये देख ये हो गया ना बन के रेडी। यहाँ पे इसके अंदर का जो टेक्स्ट वगैरह है वो ये इंजॉय योर ये वो जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर, डाउनलोड योर शो टू वॉच, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो अभी चेंज करना बाकी, पहले का हमने लिख लिया था इंजॉय वाला, दूसरा है डाउनलोड योर ये यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया डाउनलोड योर ऑफलाइन, सेकंड कंटेनर के अंदर H1 के अंदर ये आ गया ओके। और उसके बाद जो है यहाँ पे यहाँ से इसको उठाया, ये हमारे पैराग्राफ के लिए आ गया
यहाँ तक। और उसके बाद जो है थर्ड कंटेनर के अंदर जो है इसकी जो हमारे पास हेडिंग है वो वॉच एवरीवेयर, वो आएगा पैनल थ्री। और ये रह गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है, वो वॉच एवरीवेयर आई थिंक वो सारे का सारा कॉपी करके लिया है। हाँ ठीक, इसको यहाँ से हटा लेंगे, ये हमारे पास यहाँ से हट गया, इसको इधर से कॉपी किया और इसको पी के अंदर डाल दिया, यहाँ पे आ गया, ये हमारा कौन सा था, चौथा था, ये मैंने तीसरे के अंदर डाल दिया क्या, इसको तीसरे के अंदर डाल दिया, ये हमारा चौथा, तीसरा कहाँ पे है, ये रहा तीसरा, इसको आई थिंक मैंने ऑफ़ किया हुआ है, इंजॉय योर टीवी, हाँ ये वाला है, वॉच एवरीवेयर, इसको इधर से कट किया, तीसरे का ये वाला है, ये आ गया वॉच, देन यहाँ से ये पी आ गया, कंट्रोल एक्स किया, और यहाँ से इस पी को इस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, और लास्ट कंटेनर के अंदर यहाँ से क्रिएट प्रोफाइल फॉर किड्स, इस कैंचुआन के अंदर इसको डाल दिया, और यहाँ से ये थोड़ा सा जो टेक्स्ट है इसको यहाँ से उठा के इस पी के अंदर डाल, ये था हमारा जो टेक्स्ट था वो आ गया। तो इस टेक्स्ट को जो है ना थोड़ा भी और सेट करना पड़ेगा, क्योंकि देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे बी आर लगेगा। सेकंड कंटेनर के अंदर जो है ये फर्स्ट, फर्स्ट कौन, ये फर्स्ट है डाउनलोड योर के बाद लगेगा, कहाँ पे है हमारा सेकंड कंटेनर, यहाँ पे यूअर के बाद यहाँ पे एक बी आर टैग लगेगा, ये लगा बी आर टैग यूअर के बाद, और उसके बाद जो है ऑफलाइन रहेगा, उसके बाद हैव के बाद लगेगा इधर, ये बी आर टैग लगा, ये बोर्ड का लग गया आई थिंक, हम बोर्ड का लगा, बी आर टैग लग गया, तो ये ठीक हो जाएगा, हाँ ये ठीक हो गया। उसके बाद जो वॉच एवरीवेयर, ये आई थिंक सो ठीक है, ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर वॉच के बाद लगा है, और उसके बाद टीवी और लैपटॉप के वहाँ लगा है, वॉच के बाद ये वॉच के बाद है, यहाँ पे बी आर लगा, एंड देन टीवी और लैपटॉप के बाद बी आर, ये बी आर को बी आर, ये बी आर लगा, और उसके बाद जो है हमारे आखिरी के अंदर यहाँ पे फोन किट के लिए लगा, और इसके लिए लगा, ये यहाँ पे फ्री के बाद यहाँ पे लग गया हमारा बी आर टैग। तो ये देखो ये यहाँ तक जो है, ये जो है हमारी नेटफ्लिक्स का यूआई क्लोन जो है वो बन के रेडी हो गया। अब जो है अगली वीडियो के अंदर जो हम अपने FAQ सेक्शन और हमारा फुटर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इसका फ्री सोर्स कोड जो है वो फ्री आपको मिलेगा मेरे गिटहब के ऊपर, गिटहब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ और वहाँ पे जाके इसका जो कोड है वो उठा लो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।